दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के संस्थापक डॉक्टर आशीष गौतम ने कहा कि सेवा कोई विषय वस्तु नहीं अपितु भाव है, दृष्टि है। जब तक भाव नहीं होगा सेवा नहीं होगी। भाव से ही सेवा का जन्म होता है या भाव ही मनुष्य को मनुष्यता की तरफ अग्रसर करता है। भाव की प्रधानता के कारण ही सेवा को परम धर्म कहलाने का गौरव प्राप्त है। डॉक्टर आशीष शनिवार को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम बालापार गोरखपुर के प्रथम स्थापना दिवस 28 अगस्त के उपलक्ष्य में योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यानमाला के 6वें दिन सेवा परमो धर्म विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि हम समाज और इसके लोगों की पीड़ा देखकर व्यथित होते हैं, हमारे मन में इसे लेकर संवेदना जागृत होती है, तो हम सेवा की ओर उन्मुख होते हैं। सेवा की भावना को परिणामदायी बनाने के लिए अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना भी बहुत आवश्यक है। डॉक्टर आशीष ने कहा कि सेवा के लिए संसाधन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए संकल्प का होना बेहद आवश्यक है। यदि आप किसी समस्या के समाधान के लिए सोच रहे हैं, कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो यह भी एक प्रकार की सेवा ही है। सेवा मानव को उसके सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध कराती है। कोरोना काल के दौरान विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों का विस्तार से विश्लेषण करते हुए डॉक्टर आशीष ने कहा कि BA MS के विद्यार्थियों के लिए अति प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद से मानव सेवा का शानदार अवसर है। आह्वान किया कि पढ़ाई पूर्ण करने के बाद इन विद्यार्थियों को एकाग्र होकर 12 साल सेवा करने का संकल्प लेना चाहिए। मंच संचालन वैभव दुबे व जानवी राय ने किया। व्याख्यान का शुभारंभ BA MS की छात्राओं साक्षी सिंह, मामपी राय व दीक्षा द्वारा प्रस्तुत धन्वंतरी वंदना एवं सरस्वती वंदना से तथा समापन मधुलिका सिंह, अंशिका जायसवाल, कहकसा, आशमा खातून, स्वाति श्रीवास्तव के वंदे मातरम गान से हुआ। इस अवसर पर सभी शिक्षक व BA MS प्रथम वर्ष के विद्यार्थी उपस्थित रहे। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की प्रथम स्थापना दिवस समारोह 28 अगस्त रविवार को सुबह 10 बजे से मुख्यमंत्री एवं इस विद्यालय के कुलाधिपति योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में मनाया जाएगा। मुख्य समारोह के साथ ही 22 अगस्त से चल रहे योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की स्मृति में चल रहे सप्त दिवसीय व्याख्यानमाला का भी समापन होगा।